हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हेलो हेलो, हम लोग सब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पापा कार चला रहे हैं, है ना, और हम लोग जा रहे हैं घूमने नैनीताल। किधर? लेफ्ट जी? हाँ हाँ, लेफ्ट, राइट राइट राइट। डायरेक्शन नहीं आ रहा है, लेफ्ट को राइट बोल रहे हैं। ये नहीं क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम भी बताएं क्या? पढ़ाइयाँ हुई है वो, और ये पीछे हमारे मामा और जुपिटर से आ रहे हैं आदान मामा और हमारे भाई आदान। मामा को बहुत शौक है घूमने। हाँ, मामा को इतना शौक है घूमने का कि हमारे साथ ऐसे आ गए। चलिए हाँ गाइस, तो हम लोग क्या है, आपको मालूम है, हम वहाँ जा रहे थे नैनीताल, और हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो हम लोग ये रोड के किनारे खड़े हैं, अब मामा ये लोग पेट्रोल आदमी भरवा के लेके आएंगे। हम लोग ये सब ऐसे खड़े हुए रोडों पर, ये सब हम लोग रोड के तरफ खड़े हैं तालाब के पास, इंतजार कर रहे हैं कि कोई पेट्रोल ले आए गाड़ी पर, है ना। ये पापा हमारे फ़ोन लगा के कोई जुगाड़ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्या आ गए हैं मामा पेट्रोल लेके आदान भाई के साथ। ये खूब खूब पेट्रोल की बोतल आई है, अब हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे फाइनली। रुक जाओ भैया, भावुक तो हमें निकल मत जाना। हाँ चलो, अब फाइनली हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग पेट्रोल डाल रहे हैं। तुम्हारे हम गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं। अभी जेट आया है रावत का, कहाँ तक आया? अब फाइनली हमारी गाड़ी चलने लायक हो गई। चलने लायक थी यार, पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल खत्म हो गई थी। यहाँ आपको क्या कहना है इसमें? एंड वी आर बैक इन कार। एक 5 रुपए का चिप्पर मिल गया हमें, लेस, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग आगे जाके थोड़ा एक पॉइंट पे गाड़ी स्विच करेंगे। मैं आ जाऊंगा ये जुपिटर पे, और फिर यहाँ पे और जगह हो जाएगी, है ना। यहाँ एडजस्टमेंट चल रहा है बहुत। चलिए मिलते हैं बाद में, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है गाड़ी स्विच कर ली है, और हम और आदान भाई जा रहे हैं जुपिटर से, और पीछे ये लोग आ रहे हैं कार से, इसके पीछे वाली कार है, है ना। हम लोग जा रहे हैं, अभी हम पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद नैनीताल के निकल जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग पेट्रोल भरवा के तो निकल चुके हैं, है ना। अब हम लोग जा रहे हैं नैनीताल के घूमे हुए रास्तों पर। ये देखिए, आपको मैं रास्ते दिखाऊँ, ये देखिए, ये ऐसे घूमे हुए रास्ते हैं बेहतरीन। जाना है उसके बाद फिर अपन जब नैनीताल पहुँचेंगे आपको दिखाएंगे। बीच बीच में जो व्यू आते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए, ये देखिए, छोटा सा है, लेकिन झरना बह रहा है प्यारा सा। ऊपर से पानी आता हुआ आ रहा है, बारिश का पानी ऊपर पहाड़ों से होता हुआ आ रहा है। मोड़ा झरना आता ही गाड़ी गिर गई थी। हाँ, यहाँ पे एक्सीडेंट भी खूब हुए हैं, बेहतरीन झरना बह रहा है। आजाद भाई कह रहा है अंकल, तो अंकल झरना बहुत अच्छा है। देखिए आप व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है। ये बादल पहाड़ों में टच करते हुए, और ये बादल ही बादल, ये देखिए यार। वो हमारा घर जो था ना, वो हमने आपको वहाँ से दिखाया था ताल से। हम अभी तो वहीं से ही चल रहे हैं, अभी तो ज़्यादा दूर नहीं आए, 10-15 किलोमीटर ही आए, है ना। अभी तो ये आपसे व्यू देखिए। यार हमारे डॉन, डॉन मैं जहाँ चलती गाड़ी में कूद गया नीचे, मुझे ये व्यू डेडिकेशन है, एकदम सब्सक्राइब कर देना। मुझे ये व्यू देखा, मैं चलती गाड़ी में कूद गया, मैंने कहा नहीं, ये व्यू तो दिखाना ही पड़ेगा। ये देखिए आपका प्यारा व्यू, कपड़े नहीं फटे और गाड़ी एकदम सही सलामत है, अपने आपन भी सही सलामत है, चश्मा भी निकला एकदम थक लाइफ, और क्या बेहतरीन। क्रॉस कर चुके हैं, और ये आप यहाँ को व्यू देखिए, माशाल्लाह।
यही लोकेशन है जहाँ पे कोई मिल गया जो फिल्म थी ना आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की, नहीं देखी होगी तो आपकी मर्जी भाई, देखना नहीं देखना है ना, लेकिन यही बनी थी। हाँ हम डिस्क्रिप्शन में देंगे भाई, हम क्यों कमाई करवा, हम काहे को उनको क्यों बढ़ावा भाई, यहाँ के स्कूल भी हुई थी। देखिए आप राइडर को देखिए, बस राइडर को इतनी तेज भगा तो आ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बंदे बचे हैं मरे हैं जिंदा रहे। नैनीताल जो है हमसे 9 किलोमीटर बचा है बस। रतन भाई को लगी आई थी प्यास तो ये जा रहे हैं झरने पे, बेहतरीन खूबसूरत झरना बह रहा पहाड़ों से होता हुआ, झरना बह रहा है और ये झरना बहता हुआ जा रहा है दूसरे झरने की तरफ, उन्होंने यहाँ रुके हुए हैं। मीठा पानी है यार, हमें जा रहे हैं मुंह धोने। बहुत ही मीठा पानी है यहाँ का और उसका पीने के बाद कुछ हो सकता है आपको, बेहतरीन ठंडा पानी है। ये देखिए आप व्यू क्या, और ये बागी का जंगल है, बागी 2 मनी थी ना यही, वो प्रैक्टिस करता था बागी। स्ट्राइकर श्रॉफ जो है वो ऊपर पहाड़ से कूद के छलांगे मारता था नीचे और दो उंगलियों पे आके ऐसे, दो उंगलियों पे आके यूं यूं आके रुक जाता था। ये जंगल तुम्हारा घर है। ये देखिए आपके पूर्वज एंसेस्टर्स बैठे हैं, ये भाग रहा है ये बंदर, बहुत लंबा है तेरा, ये बैठे हैं पहाड़ पे पेड़ों पे, यहाँ बहुत बंदर है सफेद बंदर। आ गए हम सेल्फी पॉइंट, ये आपको मिल जाएगा रास्ते में, सेल्फी पॉइंट और व्यू पॉइंट। फोटो शूट चल रहा है, टिंडर के लिए फोटो खींची जा रही है अदान के, रिश्तों shaadi.com पे रिश्ता लगाया जाएगा। नया पोज कौन बचा, ऐसा पोज दीजिए, ये बचा लिया था बचा, आओ ना आओ आओ, हो गया। ये देखिए ये पहाड़ों से एक और बहुत बड़ा झरना बहता हुआ आ रहा है ना, ये दो झरने बहते हुए आ रहे हैं, ये रोड पे से पानी होता हुआ जा रहा है और ये बड़ा झरना बन जा रहा है। ये देखिए क्या प्यारा व्यू है, मैं आगे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं झरने की, एक वहां से और एक यहां से, एक छोटा सा वहां से। तो गाइस हम लोग जब निकले थे वहां से अपने घर से तो वहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा था, धूप भी बहुत तेज थी और हमें गर्मी लग रही थी, तो हम लोग ऐसे सिंगल सिंगल शॉटों में आ गए। अब हम जैसे कि यहां से अभी 3 किलोमीटर बचा नैनीताल, तो यहां पे एकदम से 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और अब हमें लग रहा है कि ठंड, और हम जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं लाया, हम लोग जो है ना धीरे धीरे कुड़कुड़ा रहा है भाई, जो है ना ये देखिए कैसे कुड़कुड़ा रहा है, ये सब जम गया नीचे तक, आजाद भाई जो है दांतों से लेके नाखून तक सब जम चुके हैं, हाथ देखो बीच में अटक गई है, आजाद भाई की बीच वाली उंगली खुली अटक गई है, हाँ। ना वो ब्रेक ऐसे लगाते थे ऐसे हो गई वो, हाँ। ये देखो ये देखिए आजाद भाई जो है ना ब्रेक ऐसे लगाते हैं तो उंगली कैसे अटक गया, ऐसे अटक गई है, ये देखिए आप